अच्छा हुआ तुम दोनों साथ में ही मिल गई। दुष्ट परियों, अब तुम दोनों का अंत भी साथ में ही होगा। कुछ सपने कभी सच नहीं होते रानी परी। और रानी परी ये मत भूलो, हम दोनों मिलकर एक और एक दो नहीं, एक और एक ग्यारह है। ग्यारह क्या? आज दुनिया की सारी बुरी शक्तियां तुम्हारे साथ मिल जाए ना, तो भी आज तुम्हारा अंत हम करके ही रहेंगे। बहुत तेज बालवीर और परियों के गुस्से की ज्वाला, अगर बचना है चलने से तो भाग तोबा तोबा भाग। बाबा तो परी, तुम हमारी गलती की वजह से आजाद हुई थी ना, आज हम खुद ही एक बार फिर से तुम्हें सर्वदा कैद खाने में कैद कर देंगे। और भयंकर परी, तुम्हें तो सर्वदा कैद खाना भी नसीब नहीं होगा। तुमने जो कुछ भी किया है उसकी सजा के रूप में रानी परी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए कोयले में बदल देंगी। सिर्फ बातें ही करती रहोगी परियों की, तुम्हारे पास वार करने के लिए भी कुछ है? और अगर तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं तो हमारे वार से बचो। करोगे तुम दुष्ट परियो? बवंडर परी तुम्हारे बवंडर आज रानी परी के सामने एक बच्चे के खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं। बवंडर परी, अच्छाई और सच्चाई एक बार ठान लेती है तो इसे बुराई का अंत करने से कोई नहीं रोक सकता। आज तुम्हारा कोयला बनना निश्चित है भयंकर परी। भस्मास्त्र तुम्हें और तुम्हारे बुरे इरादों का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर देगा। भयंकर परी कुछ करो, रानी परी का भस्मास्त्र तुम्हें भस्म कर देगा। मुझे कुछ नहीं होगा बवंडर परी, मेरे पास इस भस्मास्त्र से बचने का उपाय है। मैंने कहा था ना, उपाय है मेरे पास। धोखेबाज? हाँ हूँ मैं धोखेबाज, और ये मुझे मंजूर है क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं खुद से और अपनी बुराई से करती हूँ, और उसे बचाने के लिए मैं किसी की भी बलि दे सकती, किसी की भी। मैंने तुम पे विश्वास किया और तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारा विश्वास कर्ज है मुझ पर बवंडर परी, और मैं तुम्हें इन परियों की गिरफ्त से बचाकर उसे जरूर उतारूंगी। ये वादा है भयंकर परी का वादा।
भागने में कामयाब हो गई है और साथ ही साथ वो बवंडन परी का जादुई तन भी अपने साथ ले गई रानी परी। अब क्या होगा? अब चिंता मत करो परियो, भयंकर परी अपने जादुई दंत के बिना हमारा सामना कभी नहीं कर पाएगी। आज बुराई का एक सितारा तो डूब चुका है और दूसरे को भी जल्द उसके सही स्थान पर पहुंचा देगी। तू रो क्यों रहा है? क्योंकि मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा हूं। खबरदार, कोई भी मेरे ऑर्डर के बिना नहीं लेगा, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। देखो और कितना मारोगे? बहुत सारा। अगर तुमने और कुछ भी बोला तो ये खाना खाइए, पहले दवाई दी। हाँ हाँ, ये लीजिए, खाइए खाइए। छोटे छोटे छोटे, छोटे अभी तेरे को समझ में आया मैं क्यों रो रहा था? अरे हम लोग तो चोर लोग हैं रे, अपने को कोई बिना बात के टच भी नहीं कर सकता, बस मारने के लिए टच करता है। और ये सब करके ना इन लोगों ने दिल पे टच किया, इसलिए मैं रो रहा था। अरे स्मिता, तुम भी खामखा जागरण छोड़ के वापस आ गई हो। अरे भाई हमारे बच्चे सेफ होंगे, वो हमारे बच्चे हैं। क्या बच्चे तुम लोग ठीक हो ना? और ये दोनों कौन है? हम दोनों चोर हैं। चोर? हाँ हाँ। चोर 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 चोर। अरे महेश, चोर तो यहाँ है, पुलिस को फोन कर। एक मिनट, आप मत बुलाइए पुलिस को, हम दोनों ही पुलिस के पास जा रहे हैं। हम तो यहाँ पे चोरी करने और पुलिस से बचने के लिए आपके घर में घुसे थे। आपके ये दोनों मासूम और सच्चे छोटे और बड़े बच्चों ने हमें सुधार दिया। ए वाह 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 भाई वाह। ए अरे सब बस बस हो गया भाई, हो गया, जाइए। मानव, रॉकी, इधर आओ। I'm proud of you. खास तौर से रॉकी, तुझ पर मुझे गर्व है। Thank you. आ बेटा, आज तूने सच में साबित कर दिया कि तू बड़ा और जिम्मेदार हो गया है। हाँ, मैं बड़ा हूँ और जिम्मेदार भी। बालवीर, तुमने मुझे युद्ध में हरा कर सर्वदा कैद खाने में बंद किया। तुम्हारी वजह से आज मेरा दंड मेरे पास नहीं है। मेरी शक्तियां अधूरी है, लेकिन ये भयंकर परी हारी नहीं है, बल्कि तुम्हें बर्बाद करने का मेरा इरादा और भी मजबूत हो गया है। अब वार मेरा होगा और इसका शिकार होगे तुम और तुम्हारे ये बच्चे। Come on, मानव, you can do it. मानव, जल्दी, मानव, भाग, जल्दी, जल्दी। अब मैं अपनी शैतानी चालों में तुम्हें ऐसे फंसाऊंगी कि तुम जाकर भी कुछ नहीं कर पाओगे।
बालवीर, जिस तरह रेत हाथों से खिसक जाती है उसी तरह इन बच्चों की खुशियां अब उनके जीवन से खिसक जाएंगी। अगर उनकी जिंदगी में कुछ रहेगा तो वो होगा खौफ, डर। अब जो जितना डरेगा वो भयंकर परी के इस रेत के जाल में उतना ही फंसेगा। मानव जल्दी ला बॉल, नहीं तो ये लोग भाग भाग के पूरी सेंचुरी पूरी कर लेंगे। एक मिनट, टाइम टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। मानव मानव इधर आ, इधर आ। ए रुको 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 रुको, हाँ इधर आ। क्या हुआ मानव, क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा बॉल लेने? पापा वहाँ पर एकदम सुनसान जगह है, मुझे वहाँ पर नहीं जाना, मुझे बहुत डर लगता है। अभी डर गाएगा, हम लोग है ना सब यहाँ पे, क्यों डर रहा है? पापा आप सब तो यहाँ पर हो, लेकिन वहाँ पर सिर्फ मैं अकेला रहूंगा, और वहाँ पर तो अंधेरा भी है और मुझे अंधेरे से डर लगता है। बेटा अंधेरा तब तक होता है जब तक वहाँ रोशनी नहीं होती, एक बार रोशनी आई तो अंधेरा भाग जाता है। उसी तरह डर तब तक होता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते, जैसे ही हिम्मत आती है डर यूं भाग जाता है। पक्का ना? हाँ पक्का, जा मेरे बहादुर बच्चे, जा जा। हाँ चलो बच्चे लोग, तब तक कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। हाँ चलो 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 चलो, रिफ्रेशमेंट बॉटल लगी। हाँ दे लो दे लो मुगी। बेटा वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल देना। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो मेरी सिवाय और कोई भी नहीं है। बालवीर, मैंने अपना खेल शुरू कर दिया है और ये थी मेरी पहली चाल।
जो तुम्हारे होश उड़ा दे। ऐसा भयानक तूफान लाऊंगी तुम्हारे इन प्यारे बच्चों की जिंदगी में कि हंसना भूलकर सिर्फ डरेंगे। रॉकी चाचू आपके कान बज रहे हैं। ओके, तू रॉकी का कान क्यों घुमा रहा है? वो बहर ने कहा ना हिंदी कान बज रहे हैं, तो मैंने थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ ताकि बाकी सब भी सुन पाए कि इनके कान में क्या बज रहा है। ये शांति किसी आने वाले तूफान की तरह संकेत कर रही है। जमीन कैसे हिल रही है? देखिए ना, मानव भी अभी तक नहीं आया है, जरा जाके उसे ढूंढिए ना। हाँ जा बेटा। हाँ, मैं देखता हूँ।